प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के तीसरा अध्याय को देखेंगे। इससे पहले मैंने पहला और दूसरा अध्याय को आप लोगों के वीडियो के जरिए आप लोगों को क्लास दिया है और आज हम लोग तीसरा अध्याय को देखेंगे। और ये जो क्लास है, ये तीसरा अध्याय, ये NCERT पर बेस्ड होगा। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो देख पाएंगे, हिंदी मीडियम के। ये NCERT के बाद जैसे ही अगली क्लास होगी तो उसमें मैं KC सिन्हा के प्रॉब्लम्स को भी देखूंगा। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। सबसे पहले इस चैप्टर का तो मतलब समझ लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या अर्थ होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो चर होंगे वो रैखिक भी होंगे, समीकरण भी होंगे और युग्म भी होंगे। मतलब चर का अर्थ समझ रहे होंगे कि जैसे 3x + 2y बराबर सपोज करे कि 10 मान के चलते हैं, तो 3x + 2y ये क्या हो गया, एक और एक दो चर हो गए। रैखिक समीकरण का मतलब हो गया कि जिस पर अधिकतम घात एक हो, चरों पर अधिकतम घात एक हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं अगर डिफाइन है तो अधिकतम घात कितना है, एक है, तो रैखिक समीकरण हो गया। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन ले लें कि 4x + 7y बराबर 0 सपोज, तो ये जो दो इक्वेशन हुआ इसको कहते हैं जैसे फर्स्ट और ये सेकंड, तो दो समीकरण हो गए। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाए जिसमें दो चर है। उसके बाद क्या है, चूंकि अधिकतम घात एक है तो रैखिक हो गया समीकरण, और युग्म है तो चूंकि दो इक्वेशन है तो समीकरण का युग्म हो गया, यानी कि जोड़ा हो गया। तो इसी यही चैप्टर है, इसमें हम लोग तीसरा अध्याय जो है उसको देखेंगे, जिसमें लगभग हम लोगों को 7 अध्याय को देखना है, 3.1 से लेकर के 3.7 तक, जिसमें एक ऐच्छिक है। 3.1 से लेकर के 3.7 तक देखना है, जिसमें 3.6 तक है और 7वां जो है ऐच्छिक भी है, यानी ऑप्शनल है। खैर, किताब ऑप्शनल दे रही है लेकिन हम लोगों को सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ इसको देख करके चलें और अगर जहां कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूँ 3.1 के साथ, और मैं आप लोगों को ये चैप्टर को सॉल्व करवाने से पहले ये इतना ज़रूर बता देता हूँ कि आप जो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले 10 वर्षों का, उसका मैं उस आधार पे बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से कम 10 नंबर तक रह सकता है, 15 नंबर तक रह सकता है 100 में से। आप सोच सकते हैं कि 30 नंबर अगर पास का है, अगर 10 से 15 नंबर रह गया तो लगभग पासिंग मार्क्स का आधा इसी से आपको रह गया, यानी 100 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी जो लाना चाहते हैं वो इस चैप्टर को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो बेहतर जो है महसूस करेंगे। और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो भी इसको बार बार देखेंगे तो उनका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप कोई भी सवाल को फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलें 3.1 की ओर। इसमें पहला सवाल जो है वो कहता है कि आफ्ताब और उसकी बेटी का एक स्टोरी है। स्टोरी का मतलब हुआ एक कथन है कि आफ्ताब ये कहता है, आफ्ताब ये कहता है कि उसकी जो बेटी है, आफ्ताब की जो बेटी है वह 7 वर्ष पहले उससे 7 गुना आयु उससे था उसका, यानी कि अगर बेटी 7 साल की है तो आफ्ताब 49 साल का है, 7 गुना। ये 7 वर्ष पहले की घटना है, लेकिन आज उसकी आयु जो है, सपोज करें कि आज इसकी आयु हो जाएगी 14 साल, 7 साल पहले 7 साल की थी तो आज 14 साल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 7, 16, यानी कि 56 साल का। तो अब देखते हैं यहाँ 7 गुना और यहाँ 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर इस सवाल में ब्रैकेट में ये भी दिया जा रहा है कि क्या ये मनोरंजक है, तो निश्चित रूप से है कि आयु में डिफरेंस उतना ही है। इस दोनों के आयु में डिफरेंस कितना का है, तो 42 साल का। यहाँ पर भी अगर इसको डिफरेंस निकाले तो 4 × 2 = 46 साल का डिफरेंस उतना ही है, लेकिन देखेंगे तो अनुपात कितना का हो गया सो देखेंगे। यहाँ 7 × 49 यानी कि 7:1 है, तो यहाँ पर क्या है, 14 × 56 यानी 4:1, कितना का अंतर आ जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसी को कहा जाता है कि मनोरंजक है।
तो खैर हम लोग इसमें चूंकि दो चर वाला है, मैंने पहले ही बताया कि दो चर क्या है, तो इसमें दोनों चीज को मान लेंगे। माना कि ऐसा कोई सवाल रहे इस चैप्टर में, दो चर है तो दोनों चीज को माना जाएगा, जो जो चीज निकालना होगा दोनों को। तो माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष, ऐसा मानते हैं। तो आफताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, दोनों को मान लिया x वर्ष और y वर्ष। अब क्या है, चूंकि दो चर है तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज मान सकते हैं। यही अगर चौथा अध्याय होगा तो उसमें द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो किसी एक के मानने से भी दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया सात वर्ष पूर्व। अब सात वर्ष पहले चले जाते हैं, तो सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर क्या हो गया, तो x माइनस सात। सात वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति क्या होगा, आज से सात वर्ष छोटा होगा, तो यानी सात वर्ष घट जाएगा। सात वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस सात। अब अगर तुलना करते हैं x माइनस सात y माइनस सात का, तो प्रश्न से तुलना करने के लिए हम लोग को कहा है कि x माइनस सात और y माइनस सात, तो ये जो है पिता यानी आफताब जो है उससे सात गुना ज्यादा है। तो सात गुना ज्यादा है, तो अगर हम लोग पुत्री में सात से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अमूमन ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सात गुना ज्यादा जो रहता है उसमें गुना कर देते हैं, जिस कारण से उत्तर मतलब प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो हमेशा जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि तुलनात्मक रूप में बराबर हो जाए। अब आगे बढ़ें, तो x माइनस सेवन सेवन वाई माइनस उनचास, तो x माइनस सात वाई बराबर माइनस उनचास प्लस सात, तो x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस बयालीस। ये समीकरण क्या हो गया, एक। तो इस तरह से हम लोगों को पहला समीकरण मिल गया। अब अगर हम लोग दूसरा समीकरण की बात करते हैं कि दूसरा समीकरण की बात करते हैं कि अब दूसरा समीकरण के लिए, तो इसी को मैं आप उतार लेंगे। इसी में क्या कह रहा है कि तीन वर्ष पश्चात, तो इसी को मैं ठीक कर देता हूं, तीन वर्ष पश्चात आफताब की आयु। तो अब क्या होगा, तीन वर्ष बाद कोई क्या होगा, ये तो वर्तमान आयु है उसकी, तो तीन वर्ष पश्चात क्या होगा, तीन वर्ष प्लस हो जाएगा। तो आफताब की पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगा, वाई प्लस तीन। अगर कोई दस साल का है तीन वर्ष बाद तेरह साल का हो जाएगा, अगर कोई दस साल है तो सात वर्ष पहले कितना साल का था, तो तीन साल का था। तो ऐसे ही, तो अब इसमें भी फिर कंपेरिजन करेंगे तो पुनः प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो फिर तुलना करते हैं कि x प्लस थ्री और y प्लस थ्री, तो कहता है कि तीन गुनी। अब इस इक्वेशन को हमको यहाँ लिख लेना है पहले कि x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस बयालीस, ये बाद में फिर हमको जरूरत पड़ेगी। तो x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस बयालीस, उसके बाद देखते हैं क्या कि तीन गुनी, तो x प्लस थ्री बराबर थ्री वाई प्लस तीन तिया नौ। अब x माइनस थ्री वाई नौ माइनस तीन, यानी x माइनस थ्री वाई बराबर छः, समीकरण दो। तो इस तरह से हम लोगों को दो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों यहाँ तक आधा सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि बीजगणितीय निरूपण करें, तो बीजगणितीय निरूपण कर दिया। अब उसी में फिर प्रश्न को ऐड कर दिया गया है कि इसको ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करें। तो ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व होगा, तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको देखेंगे। यहां पर समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कह रहा है, x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस बयालीस। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ के लिए हम लोगों को
जो वैल्यू चाहिए एक्स वाई का वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे तो वाई का निकलेगा, या फिर वाई का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे तो एक्स का निकलेगा। तो अपने मन से कुछ भी इस तरह से रख सकते हैं कोई अंक, तो या तो इसको फार्मूला के कन्वर्ट कर दें या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अगर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो ये 42 को इस पार लेके आ जाते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस उस पार चला जाएगा तो माइनस से प्लस 7y। तो y बराबर क्या हो रहा है एक्चुअल में, x प्लस 42 बटा 7। अब हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ क्या देखते हैं कि अगर हम लोग जीरो रखते हैं, तो जीरो रखते हैं तो ये एक्स की जगह जीरो हो गया, तो 42 में जीरो जुटेगा तो 42, 42 को 7 से भाग देंगे तो 6 × 7 = 42। अब अगर हम एक्स की जगह फिर रख देते हैं 7, तो 7 × 42 = 7 कितना हो गया 49, 49 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49। अगर हम लोग फिर यहाँ 14 रखते हैं तो 14 × 42 कितना हो जाएगा 56, फिर 7 से देंगे तो 8 × 7 = 56। यहाँ जिस अनुपात में बढ़ रहा है यहाँ एक एक बढ़ रहा है। फिर अगर हम लोग 21 देते हैं सपोज, तो 21 देते हैं तो 21 × 42 = 63, 9 × 7 = 63। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इसको कम ही रखा जाए तो अच्छा ही, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 3 ही तक वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा रख के क्या फ़ायदा, ग्राफ बनाने में दिक्कत होता है जरा बड़ा वैल्यू को रखने से। इसलिए अब आते हैं इसमें समीकरण 2 से, तो x माइनस 3y बराबर 6। अब इसमें भी वही काम कुछ करते हैं कि 6 को इस पर लेंगे तो ये माइनस से प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 6/3। अब यहाँ फिर इसके लिए भी एक वैल्यू चार्ट बना ले। अब जब उसमें 3 रखे तो इसमें भी 3 ही रखते हैं, x के जगह अगर 0 रखते तो -2, 3 × 2 = 4, उसी को थोड़ा सा ध्यान रखते ताकि कटाने में दिक्कत ना हो। 7 रखते हैं तो 7 × 6 = 1, तो 0.33। अगर यहाँ पर 14 रखते हैं तो 14 × 6 = 8 तो कितना हो गया 8, तो ये नहीं हो रहा है। इससे अच्छा कोई अंक रख दे तो ज़्यादा अच्छा ना, 6 रखते तो 6 × 6 = 0, यानी 0 में से 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, और रख देते हैं 3, तो 3 अगर रखते हैं तो 6 × 3 = तो -3, तो -1। इस तरह से हम लोग के पास समीकरण 1 और 2 का वैल्यू चार्ट आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में यहाँ सॉल्व करते हैं। ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग को ग्राफ को ध्यान देना होगा कि ग्राफ बनाने से पहले वैल्यू का, हम लोग का माइनस में एक्स में कोई वैल्यू नहीं, तो हम लोग चाहें तो इसको यहाँ तक ही रखें तो भी काम चलेगा। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, वाई वाई डैश, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु जहाँ वैल्यू 0 0 होता है। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश यानी ये प्लस, ये वाई एक्स तो ये भी प्लस, तो इसमें प्लस प्लस, इसमें ये एक्स वाला माइनस वाई वाला प्लस, इसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसमें एक्स प्लस वाई माइनस। इसके अलावा फिर क्या और समझ लेंगे इसमें कि ये तो क्वाड्रेंट हो गया यानी कि चतुर्थांश हो गया कि चारों चार भाग है। इसके अलावा इसमें ये देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि, कोटि। तो भुज और कोटि, ये प्रश्न पूछा जाता है कि उदग्र लाइन को क्या कहते हैं, उदग्र मतलब जो वर्टिकल लाइन है यानी कि खड़ी रेखा, इसको कहा जाता है कोटि, और हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, इसको क्षैतिज भी पढ़ते हैं, क्षैतिज और ये हो गया उदग्र। तो उदग्र लाइन को क्या कहते हैं कोटि,
क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं, भुज, या भुज का मतलब क्या हुआ तो क्षैतिज रेखा, या कोटि का मतलब क्या हुआ तो उदग्र रेखा, अंग्रेजी में इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। ये क्या हुआ, मूल बिंदु। तो ग्राफ का ये मूल बात है, आप नोट कर लेंगे, समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक रचना इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स में हम लोग को मैक्सिमम देखा जा रहा है 14 तक, तो कम से कम 14 वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ ग्राफ छोटा बन रहा है इसलिए देखना होगा 4, 5, 6, 7, 8, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, इसको ये समीकरण 1, समीकरण 2 के लिए देखते हैं। यहाँ एक्स वाई 0-2, 6, 0, 3-1। अब ये ग्राफ बनाते हैं, अब इसमें 14 तक आ जाएगा। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो ये हो गया 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि माइनस वाला है नहीं एक्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ही दे दें। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हो गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। वैसे ग्राफ पेज आपको जब मिलेगा तो उसमें जो है हर 10 महीन लाइन में 10 ऐसे जो महीन लाइन होगा उसमें से पांचवां थोड़ा सा डीप होगा, और उसके बाद वाला फिर जो पांचवां होगा वो ज़्यादा डीप होगा। यानी 10-10 का एक सेट तैयार होता है, जिसमें पांच का भी एक महीन लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा गहरी लाइन करके उसको भी अलग करने का प्रयास किया जाता है। तो आप देखेंगे ग्राफिक रचना ऐसे ऐसे होती है, तो उसमें हर 10वां लाइन जो है वो गहरी मोटी होगी, हर 5वां लाइन थोड़ा हल्का डीप होगा, लेकिन बाद बाकी जो ये बीच वाला जो है वो बहुत ही पतली लाइन और बड़ा ही साफ सुथरा हल्की लाइन होती है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एक्स में 0, वाई में हम लोग बढ़ेंगे 6 तक। तो एक्स में कहीं नहीं जाना है, वाई में हम लोग यहाँ 6 तक आ गए। ये हो गया पॉइंट, यहाँ से चलेंगे यहाँ पर रुकेंगे। एक्स में 7, एक्स में 7, वाई में 7, तो वाई में 7 यानी इसके बराबर। तो ये मैं अंदाजा से ही कर सकता हूँ, चूँकि ये एग्जैक्ट होना थोड़ा कठिन है। तो ये 7, एक्स में 14, वाई में फिर 8, यानी जस्ट थोड़ा सा एक ऊपर। ये अब इसको अगर आप जो है स्केल पर रखेंगे, कॉपी में बनाएंगे, तो ये सब एक सीध में आना है इसको, तो एक सीध में आ गया ये। अब आते हैं इसमें एक्स में 0, वाई में -2, तो -2 यहाँ। एक्स में 6, वाई में 0, यानी यही रहना है। एक्स में 3, वाई में -1, एक्स में 3, वाई में -1, ये भी एक सीधा में आएगा। अब अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जा करके ये कटेगा। सपोज ये यहाँ कटा, सपोज, तो ये जो कट रहा है यही एक्चुअल में वैल्यू है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगला चैप्टर में पढ़ेंगे प्रतिच्छेद के बारे में। तो ये जहाँ कट रहा है वही उसका क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, यानी आयु यहाँ से पता चल सकता है। तो जैसे सपोज करें कि ये कितना में कटता होगा, ऐसे मान लेते कि ग्राफ बनाते जाएंगे और ये देखेंगे कि सपोज ऐसा मानते हैं, मेरा गणना कर लेते हैं बाद में देखते हैं। ये सपोज करें कि यहाँ 20 होगा और यहाँ पर मान लेते 10 होगा, तो इसका मतलब हुआ कि आफ्ताब की आयु एक्स माने थे तो 20, और ये वाई में ऊपर 10 गया, तो यानी उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी 10। देख भी लेते हैं ऐसा कैसे सॉल्व करते हैं, कि रफ में हम कर लेते हैं इसको, अगला चैप्टर में इसको हमको सॉल्व करवाना है। क्वेश्चन इक्वेशन आया था एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू 42 माइनस में, और एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 6। देखते हैं इसको अगर सॉल्व, माइनस प्लस माइनस, तो -4, -48, 8। तो y में तो 8 ठीक है, x में अगर जाते हैं तो 8 से 56,
हाँ ठीक है, 8, 8 से 56, 56 में से 42 घट गया तो 14, यानी 7 साल पहले ये 8, 14, तो 1 साल का 7 साल का, तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों को आयु का पता लग सकता है। ये मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले चैप्टर में ये समझ में आएगा कि कैसे इसको विलोपन विधि या फिर अन्य विधि से सॉल्व करते हैं, जैसे विलोपन हो गया या प्रतिस्थापन हो गया या ब्रजगुणन विधि हो गया, तो उसको मैं अगले बताऊँ। तो ये रहा ग्राफिक रचना पहला सवाल का। दूसरे सवाल की ओर अगर इसी में बढ़ते हैं तो इसको मैंने बताया था कि इसको मैं हिंट करूँगा ताकि ऐसा ना हो जाए कि सारा सवाल अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपके प्रैक्टिस के लिए शायद कुछ नहीं बचता है, तो मैं दूसरा नंबर सवाल को हिंट कर रहा हूँ कि उसको कैसे बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट टीम में के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो बैट का मूल्य सपोज करें कि एक्स है, बॉल का मूल्य क्या हो गया तो वाई। तो बैट कितना खरीदा, पहला कंडीशन है कि बैट खरीदा कितना 3 और गेंदे कितनी यानी बॉल कितना खरीदा तो 6। इसका कितना रुपया दिया रहा है, 3900 रुपया। ये ऐसा है तो 3 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3900, 13 3 39 यानी एक्स प्लस 2 वाई बराबर 1300। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी की बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कंडीशन की उसी प्रकार 2 गेंदे, 1 बैट और 2 गेंदों का 1300। 1 बैट और 2 गेंद यही कंडीशन आ रहा है कि 1 बैट और 2 गेंद करते हैं तो 1300, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 जो है ना बराबर है। तो इसमें कोई भी ग्राफिक रचना भी क्या होगी, एक ही लाइन में हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वेशन तो बराबर ही है। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 वाई बराबर y का वैल्यू पुट करेंगे ना, या x माइनस 1300 बराबर 2y माइनस में, तो y बराबर 1300 माइनस x कर देते ना, तो y बराबर क्या होगा 1300 माइनस x बटा 2। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू अगर यही ग्राफिक रचना ही सोच रहे हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू अगर हम देंगे यहाँ पर 100 तो कितना हो जाएगा 1200 यानी 600। x का वैल्यू देंगे यहाँ 200 तो कितना हो जाएगा 1100 तो 550। x का वैल्यू देंगे अगर 300 तो 1000 तो 500। इस तरह से देख रहे हैं, x का वैल्यू देंगे अगर 700 तो 700 यानी 600 यानी 300, तो ये निकल गया। अब इसको अगर ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राफ में कन्वर्ट करना, चूंकि दोनों इक्वेशन एक ही है इसलिए एक ही से काम चल जाएगा। तो ग्राफ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ 0 इस 100 मानेंगे इसको, 200 चूंकि संभव नहीं है कि इतना बड़ा रखा जाए, 400 500 600 700, इधर 100 200 300 400 500 600 -100 -200 -100 -200 y डैश y x x डैश। अब 100 का 600, 200 का 550, 300 का कितना हो गया 500, 300 का हो गया 500, 700 का 300। अब ये जब बनाएंगे तो ये हो गया ग्राफिक रचना। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अगर हम लोग तीसरा अध्याय में चल तीसरा इसी का देखते हैं, तो 2 kg अंगूर सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, लेकिन बचा हुआ है कि नहीं इसमें,